कि कोई भी भाषा और उसका सौंदर्य उसके भूभाग की भाषाई संस्कृति के संसर्ग में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उत्तर भारत से आई उर्दू के मेल से जो मुंबईया भाषा बनी है उसमें आप देखेंगे कि उर्दू का जो शुद्ध रूप है वो के आसिफ की फिल्मों से शुरू होता है। वहीं पर इतिहास की और मिथक की जो फिल्में बनी है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या दूसरी तरह की फिल्में हो, उसमें जो भाषा है उर्दू में बनी फिल्मों की जो भाषा है बिल्कुल अलग है। राही मासूम रजा जब महाभारत लिखते हैं तो उसके संवादों में उर्दू आया करती थी, तो लोगों ने बड़ी आपत्ति की, तो उन्होंने कहा कि मैं उस भाषा में महाभारत को पहुंचाना चाहता हूं जिस भाषा में लोग हिंदुस्तानी को अपनाए हुए हैं और जिसमें मैं बहुत दूर तक जा सकता हूं। मैं 1988 में अंडमान निकोबार में आकाशवाणी में पदस्थ हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि सजा का वो केंद्र जो उन आंदोलनकारियों के लिए था जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और उन्हें अपराधी एक किसी कार्य से या किसी दूसरे कार्य से लेकिन आंदोलन की वजह से वहां सजा के लिए भेजा गया। जो लोग भेजे गए उसमें उत्तर भारत के लोग तो थे, इसके अलावा तमिल थे, बांग्ला थे, पंजाबी थे, मलयालम से भी थे, गुजरात से भी थे, तो इस तरह से एक बड़ा महाराष्ट्र से भी थे। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी हिंदी लेकर वहां पहुंचे, तो वहां बांग्ला हिंदी भी थी, पंजाबी हिंदी भी थी, तमिल हिंदी भी थी, मलयालम हिंदी भी थी, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसी माध्यम भाषा बोलचाल की हो जिसमें सारे लोग आपस में एक दूसरे से संवाद कर सके। तो एक बड़ी जुगलबंदी की जरूरत थी, जैसे सिम्फनी होती है, जैसे वाद्य वृंद होता है, उसी तरह से भाषा का एक रूप एक अस्तित्व वहां था। और कल्पना कीजिए कि जिन कैदियों को वहां लेकर बसाया गया वो एक द्वीप में नहीं बसाया गया, वो कई द्वीप थे। अब वहां पर उनके अलावा तो कोई था नहीं, तो जो बच्चे वहां जन्म ले सकते थे तो उसके लिए विवाह कैसे होता? हिंदी को हिंदी वाला जोड़ा नहीं मिल रहा था, पंजाबी को पंजाबी वाला जोड़ा नहीं मिल रहा था, तमिल को तमिल वाला जोड़ा नहीं मिल रहा था, यानी उस जाति का। तो सारी शादियां जो वहां हुई वो एक दूसरे की जातियों में हुई। मेरे अपने रहते हुए मैंने देखा कि जिन घरों में जाता था, जैसे हयात सिंह उत्तर भारत के थे लेकिन शबनम बानो दक्षिण भारत की थी, तो एक ही घर में दो लोग रहते थे अपने अपने नाम के साथ, अपने अपने धर्म के साथ, अपने अपने पूजा के विधान के साथ, और आपस में कहीं कोई भेदभाव कोई मुदाव नहीं था। अगर पत्नी ने कहा कि बच्चों का नाम मेरे नाम पर होगा यानी कि मेरे सरनेम से होगा तो वो स्वीकार था। तो ये एक ऐसी संस्कृति थी यानी कि हिंदुस्तान की एक मिनी संस्कृति आप कह लीजिए, जहां पर हमने अपने समय में उन भाषाओं को समझा जो हिंदी नहीं हिंदिया थी। और वहीं से मेरे अवचेतन में एक बात थी कि रेडियो में नौकरी करते हुए मुझे बहुत सारी जगह काम करने का मौका मिला,
और उसकी वजह से मैंने हिंदुस्तान में फैली हुई जो तरह तरह की हिंदिया है उनका आस्वाद प्रसारण में लिया, वो मेरे अनुभव का हिस्सा बनी। तो मेरी जो हिंदी बनी वो संस्कृत मिश्र हिंदी ना हो सकी, वो हिंदुस्तानी है और इसी जुबान में मैं लिखता हूं। मेरे अनुभव से मैंने ये जाना कि कोई भी भाषा न कभी बुरी होती है और ना उस तरह से पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी भाषा होती है उस भाषा के बीच से, उसकी नाभि से एक और भाषा निकलती है और वो भाषा अपना नया रूप इख्तियार करती है। जैसे कि एकदम अभी की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो हिंदी की जगह हम इंग्लिश को अपने आसपास देख रहे हैं, लेकिन एक बात गौरतलब है कि कोई भी भाषा और उसका सौंदर्य उसके भूभाग की भाषाई संस्कृति के संसर्ग में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए अगर आप दक्षिण भारत को लें तो यहां के हिंदी के सौंदर्य में तद्भव और तत्सम के साथ भी दो अलग रूप आपको दिखाई देंगे। यहां असमिया हिंदी भी है, यहां बिहार की भोजपुरी का भी प्रभाव है, क्योंकि जो लोग यहां काम करने आए हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है और वो अपनी भाषा के साथ आए हैं, और जब हम अपनी भाषा कहते हैं तो वो उनकी अपनी दैनंदिन बोलचाल की भाषा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा वो बोल रहे हैं वो जनभाषा का एक रूप है, वाचिक भाषा का एक रूप है, और दक्षिण भारत की जो भाषा है उसका एक रूप आज से नहीं लगभग छठे दशक या उसके पहले से हिंदी की फिल्मों में मिलता है। पड़ोसन फिल्म का आपको स्मरण होगा, इस तरह से और भी कई फिल्में आई जहां पर आंध्र की वो भाषा बड़ी पॉपुलर हुई और लोगों ने लगभग उसको अपनी बातचीत में अपनाना शुरू कर दिया। एक वो भाषा है जिसमें प्रोफेसर अरविंदाक्षर या प्रोफेसर वनजा या इस तरह के तमाम लेखक लिख रहे हैं जो परिष्कृत हिंदी है और उसमें हम लिखा हुआ साहित्य पढ़ते हैं और जिसे हमने आलोचना में जाना है। इसके अलावा मैं ये बात खासतौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी भाषा हो उसमें उसकी बोली की जो स्थानीयता की रंगत है, उसका जो ध्वनि प्रभाव है, उस बोली की भाषा का जो नैसर्गिक संगीत है वो हमें दक्षिण भारत में भी बोलियों में दिखाई देता है, चाहे वो बाहर से आई बोलियां हो या उत्तर भारत में भी आप उसको इस तरह से पाते हैं। अब जो वली दत्तनी की भाषा है वो अमीर खुसरो के कायल और उसके विरसे से अलग है। गुजरात में वो जो है महाराष्ट्र में बदलकर नया रूप ले लेती है। आप इन दिनों बहुत सारे धारावाहिक देख रहे होंगे तो उसमें एक और महाराष्ट्र की हिंदी में सीरियल और फिल्में मिलती हैं और निकटवर्ती गुजरात की जो भाषा है उसमें बहुत सारे सीरियल्स मिलते हैं, कुछ सीरियल्स तो हजार एपिसोड पार कर चुके हैं। तो ये जो उत्तर भारत से आई उर्दू के मेल से जो मुंबईया भाषा बनी है उसमें आप देखेंगे कि उर्दू का जो शुद्ध रूप है वो के आसिफ की फिल्मों से शुरू होता है, वहीं पर इतिहास की और मिथक की जो फिल्में बनी है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो,
या दूसरी तरह की फिल्में हों, उसमें जो भाषा है और उर्दू में बनी फिल्मों की जो भाषा है बिल्कुल अलग है। एक में उर्दू का परिष्कृत रूप है, जिले लाही बादब बामलायजा होशियार, तो ये भी हिंदी है पर इसको हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं। इसका अगला सिरा अगर आप देखेंगे तो राही मासूम रजा जब महाभारत लिखते हैं तो उसके संवादों में उर्दू आया करती थी, तो लोगों ने बड़ी आपत्ति की, तो उन्होंने कहा कि मैं उस भाषा में महाभारत को पहुंचाना चाहता हूं जिस भाषा में लोग हिंदुस्तानी को अपनाए हुए हैं और जिसमें मैं बहुत दूर तक जा सकता हूं। बावजूद इसके कि उसमें भी बहुत सारे संस्कृत शब्द थे और उसकी एक संस्कृति बोलचाल में हमारे यहां बन गई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जिस तरह की भाषा का उपयोग हम करते हैं या हमारे माध्यम से मीडिया करता है वो धीरे 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 जनस्वीकार्य हो जाती है। आज जो OTT प्लेटफॉर्म की भाषा है उसमें जिन लोक भाषाओं या बोलियों की बात कही जाती है उसके प्रचुर संवाद और प्रचुर गालियां और प्रचुर स्लैंग, वो सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाषा के प्रवाह को आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। भाषा का ये जो लोकतांत्रिक और सेक्युलर रूप है इसको जो स्वीकार्यता मिली हुई है वो जनता से मिली हुई है, और वो जनता जो आपत्ति करती है वो राजनीतिक जनता है या राजनीतिक तंत्र के बिहाफ पर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तो भाषा कितनी बोलियों और कितनी लोक भाषाओं से मिलकर बनी है इसका एक विराट अध्ययन अभी होना बाकी है। और मैं कहता हूं कि ये जो सारी भाषाएं हैं जैसे दक्षिणी हिंदी है, दहलवी हिंदी है, सतुकड़ी है, पुरानी हिंदी जिसे गुलेरी अभट्ट कहते थे, डिंगल और पिंगल जो राजस्थानी का प्राचीन रूप है और जिस पर ब्रज का प्रभाव है, हिंदी 13वीं शताब्दी का भी रूप है जो खुसरो के साहित्य में मिलता है, जैन साहित्य की भाषा हिंदी के आदिकालीन रूप में मिलती है, नाथ पंथियों की भाषा में प्राचीन पश्चिमी हिंदी का मिश्रित रूप है, मुसलमानों के भारत आने के बाद यूं तो उनकी राजभाषा फारसी थी लेकिन जनसंपर्क के लिए, बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए उन्होंने प्राचीन हिंदी को अपनाया। दरअसल लंबे कालखंड में हर प्रदेश की जो जनभाषा थी उसी ने हिंदी का एक और रूप धारण किया। इसलिए एक प्रदेश की भाषा और एक प्रदेश में, कहा जाता है कि 10 कोस के बाद तो भाषा का चरित्र बदल जाता है, तो एक प्रदेश में उसी हिंदी के आपको कई रूप मिलते हैं और उससे भी एक नई हिंदी का निर्माण होता है। उत्तर भारत में जिसे हम साहित्य में पढ़ते हैं तो एक रेणु की आंचलिक भाषा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उत्तर भारत की भाषा से बिल्कुल भिन्न है, एक बोलियों से मिलकर बनी है और दूसरी ने संस्कृत पाली प्राकृत से अपना प्रभाव ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश में ही ले तो वहां आपको अवधी तो मिलती ही है, अवधी के साथ
भोजपुरी का भी एक बड़ा इलाका वहां है। तो भाषा एक बहते हुए जल की तरह होती है, जो जितने इलाकों से वो नदी गुजरती है उतने इलाकों में उस भाषा में परिवर्तन होते जाते हैं, शब्दों के स्तर पर, ध्वनियों के स्तर पर, और इसके अलावा मुहावरों के स्तर पर, लोकोक्तियों के स्तर पर। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो भारत है वो हिंदी का नहीं, हिंदियों का देश है, और यही मेरी अवधारणा है। जैसे मैंने बताया, पंजाबी है तो पंजाबी की हिंदी भी है, गुजराती है तो गुजराती की हिंदी भी है, बांग्ला है तो बांग्ला की हिंदी है, मराठी है तो मराठी की हिंदी है, हरियाणा है तो हरियाणवी हिंदी है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो आपको उनकी जो मूल भाषा है उसके भीतर से हिंदी के संपर्क में या दूसरी भाषाओं के संपर्क से एक और भाषा जो बनती है, जो खड़ी बोली है और खड़ी बोली की परंपरा है, उसके साथ आपको कुछ जोड़ती तो है पर उससे भिन्न भी है, मेरा ये कहना है। हम न केवल भाषा की बात करें बल्कि मैं कहता हूं कि व्याकरण भी इसी तरह से नहीं होती है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि अपभ्रंश में कुल 8 मूल स्वर हुआ करते थे, आ, इ, ई, उ, ए और ओ, लेकिन आधिकारिक हिंदी में ऐ और औ ये दो शब्द जुड़ गए। इसी तरह से अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि जो चा, ता, जा और छा अपभ्रंश में स्पर्श के व्यंजन थे, वो आधिकालीन हिंदी में स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं, और किसी भी तरह से आप देखें विकास के क्रम में नए शब्द जुड़ते जाते हैं। जैसे दो नए व्यंजन इसी काल में जुड़े थे, ला और ढा। इसी तरह से संस्कृत और फारसी के नए संयुक्त व्यंजन बने। तो हिंदियों के बनने में कोई धर्म, कोई जाति, कोई राजनीति कभी आड़े नहीं आई। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि भाषा कभी सांप्रदायिक नहीं होती है, अन्यथा आज के माहौल को ध्यान में रखें और कार्यवाहियों को ध्यान में दें तो उसके हिसाब से तो कट्टरपंथी सोच में सिर्फ एक ही भाषा होनी चाहिए। लेकिन एक ही भाषा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाषा जड़ नहीं है, वो अचल है, वो अचल नहीं है, वो चलायमान है। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत भाषाई संस्कृति है, दरअसल ये अपने अपने समय में किसी ना किसी विदा होती भाषा के अंधकार से उजाले में नए रूप रखकर आई है। अब मैं अगर कुछ उदाहरणों से इसको समझाना चाहूं तो चाहे वो पद्य हो चाहे गद्य हो, दरअसल हम बोलचाल में जिस भाषा का, जिन वाक्यों का व्यवहार करते हैं और वो सहज रूप से लोक में उपस्थित हैं, उसी से जब वो काव्य में जाते हैं तो कविता में हो जाते हैं छंद के साथ, और जब उपन्यास में जाते हैं तो वो एक उस वाक्य रचना में हो जाते हैं जो संवाद के अंतर्गत होता है। जैसे कबीर का वो जो जनभाषा वाला फकड़ी रंग है, जिसमें वो कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोवे। इसको कविता से अलग करके आप देखें तो बोलचाल की भाषा में भी ऐसा ही कहा जाता है कि ऐसी स्थितियां हैं कि खावे और सोवे या जागे और रोवे। तो ये उस बोलचाल की भाषा से आपकी कविता में और आपके गद्य में आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आधा का रूप है उसमें भी जो बातें कही जाती थी उसमें उर्दू के साथ
हिंदी का बर्ताव कैसे शामिल होता है उसका एक रूप देखिए। सैयद लड़ रहे उत्तर दिसी मां, दक्षिण लड़े डिरैया राव, सिंहा लड़ रहे पूरब कोने, पश्चिम लड़ रहे गंग पवार। तो ये वहां के बोलचाल के और वहां की ध्वनियों के, वहां की भाषा में एक जो लय है वो है जो आल्हा में एक छंद के साथ इस तरह से आ जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की लोक भाषा का नमूना देखिए, ये वहां बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, काहे भैया कहां से आए कैसे हो, और हमारे रमुआ ने सोई मैट्रिक पास कर ली है, कछु नौकरी वोकरी हुए तो बताइयो। अब ये बोलचाल का शब्द है, जैसे आप बोलते वैसे हम बोलते हैं, लेकिन इसको बुंदेली के लोग की बताया जाता है, काहे भैया कहां से आए कैसे हो, और हमारे रमुआ ने भी मैट्रिक पास कर ली है, कछु नौकरी वोकरी हो तो बताइए। अब उस बात गाना शुरू हो जाता है, सब कुछ बिसर जाए हमसे न बिसरे सागर की गुड़िया। तो एक हिंदी का जो रूप किसी की बोली में या किसी की लोक भाषा में बनता है, वो वहां जनता के बीच में बोली जानी बोले जाने वाली जो भाषा है, जो बतकही है, जो बतरस है, उससे निकलकर आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो हिंदी है उसका इस्तेमाल विनोद कुमार शुक्ल ने किया है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी जो स्लेट पट्टी होती है उस पर कुछ लिखते हैं, फिर उसको पानी से साफ करते हैं, तो वहां कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में कि समुद्र को पानी समुद्र में जाए मोर पट्टी सुखा जाए। अब इसको एज इट इज विनोद जी ने अपनी कविता में ले लिया। अब इसमें वो जो लय है और का जो संगीत है, जो बहुत नैसर्गिक संगीत है बोलचाल का, उसकी वजह से इसको किसी छंद में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह से जब आप जनकवि शैलेंद्र को अगर याद करते हैं और तीसरी कसम फिल्म को याद करते हैं, तब आपको पता चलता है कि सजनवा बैरी हो गए हमार, ये तो वैसे लोगों को बोला जाता है, चिटिया हो तो हर कोई बाचे भाग ना बाचे कोई। तो आपके साहित्य में अगर लोक से शब्दों की, पदों की, मुहावरों की, लोकोक्तियों की आवाजाही ना हो तो ये हिंदी इतनी सुंदर नहीं हो सकती, इतनी संप्रेष्य नहीं हो सकती। निता भारती उर्दू का शायर है, तो उर्दू किस तरह से आती है उस हिंदी में जो कि चंबल की हो सकती है या मुंबई की हो सकती है। काम बहुत है हाथ बताओ अल्लाह मियां, काम बहुत है हाथ बताओ अल्लाह मियां, मेरे घर भी आ जाओ अल्लाह मियां। हम हमेशा बातचीत में बोलते हैं अल्लाह मियां, अल्लाह मियां ने ऐसा कर दिया होता, अल्लाह मियां से दुआ करते हैं हमारा ये काम बन जाए। तो ये उसी बोलचाल की भाषा थी जो सीधे सीधे उनकी रचनाओं में आ गई। इसका एक मिश्र रूप नजीर अकबरावादी का है, और वो क्या कहते हैं, कुछ काफिर नैन मटकते हो, अब देखिए कितना कितनी खूबसूरत बात है, कुछ काफिर नैन भटकते हो तब देख बाहर है होली की। होली के माहौल में आप होली खेलते हुए लोगों की आंखें देखें, उनके इशारे देखें, उनको किस पे रंग डालना है और किस पर रंग डालने के लिए इंतजार में अपना समय काट रहे हैं, तो अपनी बातें उस काफिर नैनों से कहते हैं प्यार की बातें, और उससे जो होली है उसमें बाहर आ जाती है। दहलवी के रंग में अमीर खुसरो की हिंदी भावना उसने जब वो कहते हैं, मोहे सुहागिन कीनो रे मुझसे नैना लाए। तो ये जो शादी भी नैना मिलाए के हो जाती है,
ये ताकत है लोग की। पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं ना कि प्यार तो पहली निगाह में हो जाता है, तो उसको कितनी बारीकी से अभी उसको पकड़ते हैं, हार तक ले जाते हैं। मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे तो नैना मिलाएंगे। तो ये जो हिंदी है, या कहें कि हिंदी नहीं हिंदियां हैं, तो हर हिंदियों का अपना हुस्न है। मैं भोपाल से आता हूं, भोपाल में दो तरह की भोपाली बोली जाती है, एक तो गुलाबी उर्दू वाली भोपाली है, दूसरी बल्लूगट भोपाली, यानी कि जो बहुत रफ टफ है वो बल्लूगट हो गई, और जो थोड़ी सी नजाकत वाली है वो गुलाबी उर्दू वाली हो गई। तो वहां पर बोलचाल में क्या कहते हैं, मतलब जैसे आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कोखा पंडित जी, अब मैं मुस्लिम हूं बोल जा रहा हूं, कोखा पंडित जी कहां जा रही हो, आइए पहले नमकीन चाय का लुत्फ उठा दीजिए। अब आप देखिए कि किसी तरह की कोई सांप्रदायिकता नहीं है, पंडित जी को बोल रहा है कोखा पंडित जी कहां जा रही हो, और जब ये चीज आपकी भाषा में आ जाएगी तो मेरे ख्याल से सांप्रदायिकता के खिलाफ उससे बड़ा प्रतिरोध क्या होगा। अगर आप लखनऊ में चले जाए, लखनऊ को नखलऊ भी कहते हैं लोकल भाषा में, बादब बा मुलायदा होशियार, हिंदुस्तान के एक कदम रोशन चढ़ा तस्वीर ला रहे हैं, बोला हुआ शब्द है। फिल्म में चला आया, हो सकता मुगल काल में बोला जाता रहा हो, लेकिन अब जब वो लखनऊ से नखलऊ में आता है तो वो कुछ काम हो जाता है, उसका हुस्न कुछ बदल जाता है, वो जो शुद्ध उर्दू है उसमें वहां की स्थानीयता की रंगत चली आती है। बहुत सारे नए शब्द याद हुए हैं, जैसे एक आपने वो लड़कियों की हॉकी वाली फिल्म जिसमें शाहरुख खान थे, तो एक शब्द आ गया चकते इंडिया, फटते आवा, आप उसी गल कर लो, होता है कि नहीं होता। तो जब आप दिल्ली में जाएंगे तो एक तरफ उर्दू मिश्रित दहलवी है, दूसरी तरफ पंजाबी है, और तीसरी तरफ हरियाणा का बहुत बड़ा असर है। तो एक ही छोटी सी दिल्ली में कई हिंदियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा का जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है, वो हिंदी को एक नए रूप देने की प्रक्रिया में सतत सक्रिय रहता है। कभी जो अभ्रंश प्राकृत और पाली भाषाओं का शब्द संसार था वो अब चलन से बाहर हो गया, लेकिन लिखित में बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी जैन मुनि है, अभी भी बौद्ध है, अभी भी वहां लेखन की प्रक्रिया चालू है। और इसमें देखिए देसी विदेशी भाषा के बहुत सारे शब्द जो आते गए वो स्वीकार होते गए और उन्होंने उसे ग्राह बना दिया। हम रेलगाड़ी बोलेंगे तो आसानी से समझ आएगा, लोकपत गामिनी बोलेंगे तो नहीं आएगा समझ। इसलिए जो सबसे आपकी नजदीक शब्द है, जो आपकी चेतना में आ गया है, आके बस गया है, तो हिंदी साहित्य में भी उसका प्रयोग होने लगा। लेकिन एक चीज ये जरूर समझनी चाहिए कि हमारा ये जो समय है, एक तो वो है जिसमें नैसर्गिक रूप से भाषा में बदलाव हो रहे हैं विभिन्न स्थानीयताओं के कारण, या बोली या लोक भाषाओं के संपर्क के कारण। लेकिन एक और भाषा है जो नैसर्गिक नहीं, जानबूझकर बनाई जा रही है, जो कि प्रौद्योगिकी के कारण है, जो बाजार के कारण है, जो बाजार के हितों के कारण है। और आपने देखा होगा कि जो क्रियोलीकरण की परंपरा है वो बहुत तेजी से 90 के बाद
यानी कि बाजार के समृद्ध होने के बाद हमको घेरती जा रही है। आज आप हिंदी के अखबार पढ़िए, एफएम स्टेशन सुनिए, टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या बॉलीवुड की फिल्में देखें, उनका अधिकांश इंग्लिश होता जा रहा है। और इंग्लिश होने का एक कारण है मित्रों, जब 90s के बाद ये सारे प्राइवेट चैनल्स आए और अंग्रेजी वाले चैनल खासतौर पर, तो जितने विज्ञापन मिला करते थे मल्टीनेशनल्स के, जिसमें फ्रिज है, ऑटोमोबाइल्स है या बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट हो सकते हैं उनके, वो सिर्फ अंग्रेजी के अखबारों को और अंग्रेजी के मीडिया को मिलते थे। हिंदी के मीडिया ने ये सवाल उठाया कि हम लोगों को तो विज्ञापन मिल ही नहीं सकते, मिलते ही नहीं है, क्योंकि हम तो हिंदी में अखबार निकाल रहे हैं। तो जिन मल्टीनेशनल्स के पास वो गए और उन्होंने ये मांग की, तो आप जानते हैं मल्टीनेशनल्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको विज्ञापन देने के बारे में सोच सकते हैं, बशर्ते आप अपने अखबार में, अपने मीडिया में 30-40% अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आज आप हिंदी के अखबार पढ़िए तो उसके तमाम शीर्षक पहले से भी हैं और अब तो बिल्कुल हो गए हैं, मतलब DNA या हिंदी का अखबार तो उसके साथ अंग्रेजी का शब्द, एक शीर्षक किसी अखबार न्यूज का लगा होगा तो उसमें अंग्रेजी का शब्द अनिवार्य हो गया है। आपके पढ़ाई लिखाई विद्यालयों महाविद्यालयों के साथ अब यूनिवर्सिटी और क्लास और ये और वो, मतलब आगे से, मतलब 40% जो शब्द है वो हिंदी के लगभग सारे अखबारों में हो गए और उसी भाषा का इस्तेमाल एफएम स्टेशंस में हो रहा है, टीवी चैनल्स में हो रहा है। आप सुनिए कोई भी न्यूज, आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदी का चैनल है, लोगों ने मान लिया है कि वो इंग्लिश का चैनल है। लेकिन ये हुआ कैसे? आप स्टैंड अप कॉमेडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखिए कौन सी हिंदी बोली जा रही है, वो यही युवाओं की हिंदी है और वो स्वीकार है। लेकिन इस हिंदी का एक टारगेट ऑडियंस बन गया है युवाओं का, तो वहां ये हिंदी चल रही है। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप देखिए, साहित्य और संस्कृति के जो ब्लॉग्स है उनको छोड़ दीजिए, जो दूसरे ब्लॉग है, जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उस पर जो हिंदी आ रही है उसका लगभग 95% युवाओं के बोले जाने वाली हिंदी का है, जो आपस की बातचीत में बन के खड़ा हुआ है। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं हिंदी का बहुत अद्दा सा कवि हूं, मेरा एक नया कविता संग्रह आया है उसका नाम है क्या बनेगा। इसको एक सम्मान मिला, उसका नाम है साकिबा। आपको लग सकता है ये तो उर्दू का कोई नाम होगा, फारसी का कोई नाम होगा या ऐसी कोई हिंदी का नाम होगा जो हम नहीं जानते। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी, प्रसन्न इसलिए था कि मुझे सम्मान मिलने की जगह मेरी किताब को मिल रहा है। मैंने पूछा आपको नहीं मालूम? नहीं। बोले हमारा जो ये मंच है इसका नाम है साहित्य की बात, तो हमारे सम्मान का नाम साकिबा हो गया। अब पूरा मीडिया, रेडियो हो, टेलीविजन हो, बोलचाल की भाषा है, सब लोग साकिबा साकिबा बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं कि साकिबा क्या है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाषा किस तरह से अपना रूप धरती है समाज में, उसका हमें बहुत बार पता ही नहीं चलता। लेकिन इसके बाहर की भी एक दुनिया है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि असमिया हिंदी है और बुंदेली हिंदी है, माली है और निमाड़ी है और छत्तीसगढ़ी है, तो यहाँ के जो लोग मजदूर होकर हिंदुस्तान से बाहर गए या ले जाए गए, उनकी भी एक वहां की बनी हुई हिंदी है, जो फिजी की, गयाना की, घाना की और मॉरिशस की और छोटी छोटी जगहों में जाकर
जिस भाषा को लेकर गए थे लोग बोलचाल की भाषा को, उससे वो हिंदी खड़ी हुई है, वो आपकी अकादमिक हिंदी से मेल नहीं खाती। उसमें जो लिखा जाता है उसका हिंदी साहित्य की आलोचना में कोई रिकग्निशन, कोई स्थान नहीं है। और उनका सबसे बड़ा डर है कि हिंदी की जो आलोचना है वो हमारे साहित्य का किसी तरह का कोई नोटिस नहीं लेती। और ये वस्तुस्थिति और सच भी है। मतलब बड़े रचनाकार वहां भी हुए हैं, अभिमन्यु आनंद, अभी रामदेव धुरंधर हैं, ऐसे कई बड़े रचनाकार हैं जिनको हिंदी के प्रकाशकों ने छापा, लेकिन वो हिंदी आपकी अकादमिक हिंदी के बिल्कुल हम करीब थी तो आलोचना ने ध्यान दिया। कंटेंट वो एक अलग बात, लेकिन उसके बाद से एक लंबा शून्य काल है जिसमें जो कुछ भी लिखा जा रहा है। अब दिव्या माथुर, सुषम बेदी, तेजेंद्र शर्मा, जकिया जुबैरी, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं, और उनके लिखे में ही आपको वहां का जीवन संघर्ष, आत्म संघर्ष, वहां के लोकेल का हिंदी में पता चलता है। हिंदी के लेखक तो इंग्लैंड की किसी गली के बारे में नहीं लिख सकते ना, लेकिन आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी तरह की एक हिंदी है।